हाय गाइस, फर्स्ट हेलो। थैंक यू फॉर द लवली इंट्रोडक्शन। काफी काफी अच्छा लगा और ऐसा लगा हमें कि हमने कुछ अचीव किया है थोड़ा बहुत। बहुत बहुत थैंक यू। और गुंजन मैम को और पूरी टीम को बहुत शुक्रिया हमें इनवाइट करने के लिए। इट्स आर 9th टेडेक्स इवेंट और टेडेक्स स्पेशली हमारे बहुत हमेशा से जितने भी इवेंट रहे हैं वो बहुत क्लोज होता है, बिकॉज एक्चुअली हमारा म्यूजिक यहाँ पर जो है मतलब हमें राइट ऑडियंस मिलती है और हमारा म्यूजिक और अच्छे से निकल के आता है और लोगों को क्लोजली हम अपने गानों के बारे में बता सकते हैं। तो मेरा नाम है अभिषेक जिनगर, इन सर का नाम है मयंक मयंक पाराशर। हमारा एक छोटा सा बैंड है युग्म ऑफिशियल के नाम से। हम लोग मुंबई रहते हैं और 2016 में बैंड चालू हुआ। उसके बाद सिर्फ एक छोटी सी सोच को लेकर हमने चालू किया था बैंड की, जितने भी गाने हैं जो भी हम लिखेंगे या जो भी गाएंगे और कोशिश करेंगे कि उससे अगर कुछ समाज में बदलाव आ सके, लोगों की थॉट प्रोसेस बदल पाए, तो वही हम लोग करते हैं। आज भी वही हमारा मोटिव है। तो थोड़ा हमने आसपास ट्रैवल किया, घूमते गए, लोगों से मिलते गए, बहुत सारी कहानियाँ मिली, बहुत सारी चीज़ें आई। तो हमने एक पहला गाना जो लिखा है और उस गाने का नाम है नीर, पानी के ऊपर वो गाना लिखा है। तो मयंक ने जो वो गाना लिखा है, मयंक थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे क्या थॉट था उस गाने के पीछे। तो इस गाने का नाम है नीर, और ये गाना जो भी एनवायरमेंटल क्राइसिस है अभी इस पॉइंट पे, और जो कि सबसे ज़्यादा कंसर्न्ड इशू है और शायद होना चाहिए, अगर नहीं है तो उस पे ही ये बेस्ड गाना है जिसका नाम है नीर। और ये एक पानी की स्टोरी है, मतलब अगर पानी हमसे कुछ कह पाता तो क्या कहता। एक छोटा सा मैं इसमें बीच में एक और एड चीज ऐड करूंगा। हम लोग एक फेस्टिवल में परफॉर्म करने के लिए गए थे आज से कुछ सालों पहले, कबीर यात्रा फेस्टिवल में। जोधपुर के पास एक गांव था, उसमें हम परफॉर्म करने के लिए गए थे। तो वहां पे हम बाहर जब दिन में घूम रहे थे तो वहाँ एक अम्मा अपनी जो छोटी सी झोपड़ी में कुछ ऐसे खाने पीने का सामान बेच रही थी। तो हम वहाँ रुके तो उनसे हमने बोला कि आप पानी पिला सकते हैं हमें, तो उन्होंने मना कर दिया हमें पानी पिलाने से। तो हमें एकदम से शौक हुआ कि पानी के लिए कोई कैसे मना कर सकता है। तो उन्होंने कहा कि आप 5 लोग ये पानी पीकर चले जाओगे, पर ये मुझे 2 किलोमीटर से भर के लाना पड़ेगा। तो मैंने ये अपने लिए भर के रखा हुआ है। तब हमें रियलाइज हुआ कि हम शहर में रहने वाले लोग कभी इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देते। हम अपना गुजारा जो है, हमें जैसी पानी की जरूरत होगी हम 20 रुपए की बोतल खरीद के ले लेंगे, या कभी हम ब्रश कर रहे हैं तो वो नल चालू रहेगा, पानी वेस्ट हुए जा रहा है। तो वही सब थॉट आया कि अगर पानी की जुबान होती तो वो इंसानों से क्या कहता। गाने का नाम है नीर।
तूने मेरा छीना मुझसे मेरा घर, छीना मुझसे मेरा घर, छीना मुझसे मेरा घर, गलती मांगे बादल का रे, सबको मजा आ रहा होगा और जिन लोगों ने वीडियो ऐसे वर्चुअल इवेंट है लोग दिख नहीं रहे तो अगर वीडियो ऑन करेंगे तो और हमें भी एनर्जी मिलेगी और आपकी वर्चुअल तालियां भी सुनाई देगी हमें, पता लगता रहेगा कि खुश हैं सब लोग सुनकर। ओके तो ये था हमने कुछ सालों पहले लिखा, उसके बाद जर्नी जब आगे बढ़ने लगी और हम और खुद को एक्सप्लोर करने लगे तो बेसिकली हमारे जितने भी गाने हैं वो इसी चीज़ पे बेस्ड है कि हम क्या सोचते हैं। ये एक विचारधारा है जो हम युग्म के बारे में सोचते हैं कि सिर्फ हम इसको एक बैंड की तरह ट्रीट नहीं करते, कि हम सोसाइटी के बारे में क्या सोचते हैं, हमारे क्या विचार हैं, वही सब हम लिखते हैं अपने गानों में और लोग उसी में अपनी अपनी कहानियाँ ढूंढते हैं, उसी से कनेक्ट करते हैं। इसलिए टचवुड इतना प्यार मिला है, बैंड को बेस्ट बैंड ऑफ राजस्थान का अवार्ड मिला है, 450 समथिंग शोज किए हैं हमने और काफ़ी सारे अच्छे आर्टिस्ट के साथ हमने कोलैबोरेशन किया है। तो कौन सा गाना है? ओके तो अगला जो गाना है वो पिछले 1.5 साल पहले हमने लिखा था और मयंक ने लिखा है, तो उस गाने का नाम है मन बैरागी हुआ और वो बहुत ही स्पेशल सॉन्ग है हमारे लिए और बहुत सारे हमारे जो लोग हैं जो आज हमें सुन रहे हैं, हमारी अपनी ऑडियंस, हमारे दोस्त लोग ज्वाइन किए उनका भी काफ़ी लोगों का फेवरेट है, सबने बैरागी के लिए हमेशा सब लोग रिक्वेस्ट करते हैं। तो गाने के पीछे की कहानी मयंक बताएंगे एज यूजुअल। हाँ जी सर, तो आज का जो अपना टॉपिक है वो नेचर के ऊपर है और नेचर जो सबसे बेसिक बात सिखाता है वो सिखाता है बैलेंस, और जो हम लोग इस गाने में बात करते हैं वो भी एक बैलेंस की बात है। बैलेंस किस में? राग और बैराग में। हम नेचर की जब बात करते हैं तो वो भी बैलेंस में हो रहा है कि हम लोग अपनी लाइफस्टाइल नेचर के साथ कैसे बैलेंस करते हैं या फिर नेचर बाकी सारी चीजें खुद को सस्टेन करने के लिए कैसे बैलेंस करता है, वैसे ही राग और बैराग जब हम लोग अपनी लाइफ में बैलेंस कर लेते हैं तो वी बिकम एनलाइटेंड वन। सो फॉर द एनलाइटनमेंट राग और बैराग समझना जरूरी है, और राग और बैराग समझने के लिए कुछ बातें हैं जो कि आप सुन लेनी चाहिए कि राग मधुर बंदिश है, राग मधुर बंदिश है और बैराग में आजादी, राग सुंदरता है और बैराग अल्हड़, राग अलंकार है जो सबको सजा दे, राग अलंकार है जो सबको सजा दे और बैराग आफताब जैसा जो सबको जगा दे, राग कभी चंचल तो कभी शीतल, बैराग कभी धैर्य तो कभी पर्वत अटल। और राग राग माँ की ममता है और बैराग पिता का धर्म, और राग और बैराग है तो क्या, बस जीवन। तो हमने हमारा बैराग हमारे म्यूजिक में ढूंढा, जितने भी हम लोग ट्रैवल करते हैं, जितने भी लोगों से मिलते हैं उन लोगों में ढूंढा। आप लोग अपना बैराग शायद इस गाने में ढूंढ लें या फिर हो सकता है ढूंढ चुके हों। मन बैरागी हुआ।
दिशा नहीं पता नहीं चल रहा हूँ मेरा सा बेबाकसम बन जा रहा मैं सवालों के जवाब को ढूंढ रहा हूँ उम्र का कसूर है बेकसूर मन बैरागी हुआ रियलाइज हो जाए कि आपको करना क्या है जिस दिन मुझे धड़कन मिली थाम लिया राह चुनी जज्बा उठा किस्मत जगी सपने नए मैं था वही यूं लाऊंगा चुनके मैं ख्वाबों को बुनके क्यों आंखें मिचे यूं खड़ा दिशा नहीं पता नहीं चल रहा हूं मेरा सा विवाग सा बन जा रहा हूं मैं सवालों के जवाब को वैसे तो ऐसा होता है कि हम जहाँ भी शो करते हैं तो लोग गाते हैं हमारे साथ ठीक है तो आज तो खैर नहीं गा सकते तो आप ऐसे हाथ खड़े करके हमारे साथ हाथ हिला लीजिएगा सर ठीक है चलो 1 2 3 go मन बैरागी हुआ ओ, ओ, मन बैरागी हुआ मन बैरागी सारी चीजें होती है जो हम करना चाहते हैं पर सोसाइटी क्या कहती है हमें आसपास वाले लोग क्या कहते हैं हम इस चक्कर में रुक जाते हैं पर हमें ऐसा लगता है कि जिंदगी में अगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई है हमारे लिए तो हम खुद हैं सबसे पहले अगर आप खुद खुश नहीं हैं तो कोई और को खुश नहीं रख पाओगे तो वो करो जो आपका मन करता है अगर आपको अपना बैराग मिला है इस गाने के थ्रू तो ट्राई कीजिएगा कोशिश कीजिएगा थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच इट वाज सो अमेजिंग आई जस्ट हैड टू अनम्यूट मायसेल्फ एंड से इट आई कुडंट सिट म्यूटेड एंड से दैट थैंक यू इट वाज सो अमेजिंग सो ग्लैड सीधा सोल को जाके टच करता है ओह गॉड आई वांटेड टू डांस यू नो मेरा रोने का मन कर रहा था तो लाइक सारे दिन का लाइक थकान सा आप लोगों ने रिलैक्स कर दिया हां रिलैक्स हो गए बहुत बड़ी बात है तो सो वी विल मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट सॉन्ग एंड दैट सॉन्ग इज कॉल्ड मुसाफिर और ये गाना जो है अभी हमने रिसेंटली रिलीज किया है ऑन ऑल द स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स यू कैन फाइंड इट So, इस गाने की स्टोरी ऐसी है कि
मतलब जितने भी गाने हमने बनाए हैं, जितने भी गाने हमने लिखे हैं, वो सारे ट्रैवल से इंस्पायर्ड हैं, क्योंकि ट्रैवल के टाइम पे हम लोगों से मिलते हैं, लोगों से मिलते हैं तो बहुत सारी बातें होती हैं, और उन्हीं बातों से, उन्हीं इश्यूज से निकल के हम लोगों के सॉन्ग्स आते हैं। तो ये कहना बहुत हद तक गलत है कि गाने मैंने लिखे हैं, क्योंकि ये गाने उन सब लोगों ने लिखे हैं जिन्होंने भी हमसे बात करी है। तो ये युग्म जितना हम लोगों का है, सब लोगों का, जो भी कन्वर्सेशंस करते हैं, जितने भी हम लोगों को इंस्पायर करते हैं वो लोग गाना लिखने को। सो दिस सॉन्ग इज, बिफोर आई स्टार्ट दिस सॉन्ग, एक छोटा सा पोएट्री पीस है जो कि एक सीड था इस गाने को स्टार्ट करने के लिए। एंड हियर इट गोज, कि कुछ कैद नहीं कुछ बंद नहीं, कुछ कैद नहीं कुछ बंद नहीं, कुछ जबर नहीं आजाद नहीं, कुछ कैद नहीं कुछ बंद नहीं, कुछ जबर नहीं आजाद नहीं, शागिर्द नहीं उस्ताद नहीं, वीरान नहीं आबाद नहीं, है जितनी बातें दुनिया की सब भूल गए कुछ याद नहीं, है अंदर उफान फिर बचपन का अब कोई शख्सियत खास नहीं, हैं जितनी बातें दुनिया की सब भूल गए कुछ याद नहीं। तलाशने खुद को राहों में, ये हवाएं बुलाती हैं, है मुकम्मल जहां बाकी, ये राहें बुलाती हैं।